अगर आप स्कूल बंक कर घूम रहे तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए। अब से स्कूल टाइम के दौरान स्कूली बच्चों को पार्क, मॉल आदि जगहों पर नहीं मिलेगी एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। यूपी में अब छात्र छात्राओं को स्कूल की ड्रेस में पार्क और मॉल समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। इससे लेकर यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र जारी किया है। यह पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश ना दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा स्कूल के समय विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, पार्क, मॉल आदि जगहों पर समय बिताया जाता है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना को लेकर भी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इस पत्र को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि आयोग लगातार समय समय पर बालक बालिकाओं के हित में आदेश जारी करता रहता है। जाहिर तौर पर यह देखा जाता था कि अक्सर बच्चे घर से विद्यालय निकलने के बाद पार्क, मॉल आदि जगहों पर चले जाते थे। इस आदेश के बाद उन तमाम गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।